Hey everyone, I welcome you to my YouTube channel, The Chemistry Enthusiasts. Guys, here in this video, I will give you the very important concept, that is of the acid and bases. Okay, at most of the times we actually get confused what are the acids and what are the bases. I will also talk about the strength of the acids and bases in the second part of this course. So guys, aap bahut sare co-workers the. तो सबने अपना अपना डेफिनेशन दिया फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स. येस दिस इज एसिड बिकॉज ऑफ दिस रीजन, द कंपाउंड्स आर एसिड बिकॉज ऑफ दिस रीजन. सो अमंग देम ऑल द वर्कर्स देयर वर द आरिनियस. आरिनियस ने अपना कॉन्सेप्ट बताया, लुइस ने अपना कॉन्सेप्ट बताया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी हैज गिवन इट्स ओन कॉन्सेप्ट. अदर देन दीज थ्री देयर आर थ्री मोर साइंटिस्ट दैट हैव गिवन देयर ओन कॉन्सेप्ट फॉर द एसिड एंड बेस. दे आर द इनगोल्ड, द यूसेनोविच एंड द लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट. ओके, सो वॉट आर ऑल दीज कॉन्सेप्ट. सबने ये अलग अलग हमें डेफिनेशंस दी टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट दीज आर द एसिड्स. एंड अमंग ऑल द कॉन्सेप्ट देर आर टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट. वन इज द ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड द सेकेंड इज द लुइस. तो आपको पता होना चाहिए ना कि किसने क्या बोला, वॉट इज इट ऑल अबाउट. सो हेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ईच एंड एवरी थिंग. सो गाइज, आई विल डेफिनेटली फाइंड दिस दैट यू विल डेफिनेटली फाइंड दिस कोर्स वेरी हेल्पफुल. वेदर यू आर इन योर 9th standard, you are in your 11th, 12th, and if you are preparing for any competitive exam, if you are having chemistry, तो आपको acids and bases के बारे में तो पता होना ही चाहिए. Okay, so here I am going to start with this. The Arrhenius, what does this Arrhenius says? So guys, before that, you want to know about me, who I am? Yes, I'm your educator Megha, and here I'm creating videos for you. So you please subscribe to this channel, The Chemistry Enthusiasts, for further more videos. And besides that, you please click on the bell icon so that you can get the notifications regarding any edition of the video. Okay, so I did chemistry honors from Delhi University. I have done my master's in organic chemistry. I have cleared CSI UGC NEET examination with AIR 25, and over an academy I am working as a verified educator. And so there are a lot more students that are linked to me and they are getting benefits from my courses which I have created over the platform. So you can also join them, you can also find these you may also join these courses and prepare well for your examination. All the details you will get in the description box. So this is all about me. So here, let's come back to this topic, the concept of acid and base. Arrhenius. Arrhenius says that the acids gives H positive, or you say the H3O positive ions in the aqueous solution, while the bases gives the OH negative ion in the aqueous solution. बहुत सिंपल, आरिनियस ने बोला वो जो भी कंपाउंड्स हैं जब हम उन्हें एक्वस सॉल्वेंट सॉल्वेंट्स में लेते हैं, अगर वो एच पॉजिटिव देंगे तो दे आर एसिड्स, अगर ओ एच नेगेटिव देंगे तो वो बेसिस हो गए. जस्ट लाइक द एग्जाम्पल, एच सी एल इन द एक्वस सॉल्वेंट विल गिव एच पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एच पॉजिटिव, दिस इज एन एसिड. The NaOH, NaOH in the aqueous solvent will give Na positive and OH negative. Here we are getting the OH negative. So due to this OH negative, this is a base. Very simple. ठीक है, तो इस डेफिनेशन में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आरिनियस ने, वो बोली थी एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आइंस इन द एक्वस सॉल्यूशन. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, वो हमने कहा एच सी एल अपने गैशियस स्टेट में एच पॉजिटिव देगा नहीं देगा, नो मैटर, अगर वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में अगर एच पॉजिटिव दे रहा है देन ओनली इट इज़ एन एसिड. ठीक है, तो ये कंडीशन हमें याद रखनी पड़ेगी, दैट इज इन द एक्वस सॉल्यूशन. ओके, सो दैट्स व्हाई आई हैव नोटेड दैट दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर द एक्वस सॉल्यूशन ओनली. ओके, सो हियर लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल, वॉट इज इट्स एप्लीकेशन. वेन यू विल सी द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मैटर. ठीक है गाइस, अगर मैं आपसे पूछती हूँ सल्फर डाइऑक्साइड एसिड है या बेस है, व्हाट विल बी योर आंसर? इफ आई आस्क यू N2O, इज दिस एसिड और बेस? दी Cl2O7, इज दिस एसिड और बेस? आप कैसे डिटरमाइन करोगे ये एसिड है या बेस है? ठीक है, तो आप क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू आरिनियस, यू हैव टू टेक योर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, यू हैव टू डिजोल्व देम इन वॉटर इन द एक्वस सोल्यूशन, यू हैव टू मेक देयर एक्वस सोल्यूशन एंड देन यू दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर
सोल्यूशन. ओके, सो अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में पास किया, दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोनिक एसिड विच इज H2CO3. एंड जब आप H2CO3 को आयनाइज करोगे इन द एक्वस सोल्यूशन, दिस विल गिव H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव. सो दिस प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव प्रूव्स दैट दिस इज एन एसिड. ओके, ऐसा किसने बोला? ऐसा आरिनियस ने बोला. सिमिलरली अगर आपने दूसरा गैस लिया, दैट इज द N2O5 विच इज नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, एंड इफ यू हैव डिजोल्व दिस इन वाटर, okay, so on dissolving in water, this will result in the formation of this HNO3, which itself known as the nitric acid. ठीक है, नाम तो nitric acid है, ठीक है, but how is this an acid? Because in the aqueous solvent, this gets ionized and results in the formation of the H positive and NO3 negative. ठीक है, तो ये जो प्रेजेंस है, दिस प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव प्रूव्स दैट दीज ऑल ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल्स आर एसिड्स इन नेचर. ओके, तो अभी हमें क्लियर हो गया, हमें एक एप्लीकेशन मिला इस आरिनियस कॉन्सेप्ट के थ्रू कि जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल्स के, वो सभी एसिडिक होते हैं नेचर में. ओके, तो आप इसे चेक करके भी देख सकते हो. नाउ व्हाट अबाउट बेसिस? Basic character of the oxides of non-metals. Here I am having the another oxides of metals, which is the Na2O and the CaO. Okay, so what you will do? You will again dissolve them in water. Aapne water mein dissolve kiya. Kya bana? NaOH. When you will ionize this aqueous solution, this will result in the formation of Na positive and OH negative. ओके, सिमिलरली फॉर द अनदर ऑक्साइड ऑफ मेटल, दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड. आपने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया, इसने हमें क्या दिया ऑन आयनाइजेशन? Ca2+ एंड 2OH-. सो द प्रेजेंस ऑफ दिस OH- शोज दैट दीज आर बेसिस. ओके, सो दीज ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर. सो दिस इज इट्स एप्लीकेशन. बट गाइज, व्हाट हैपन कि आरिनियस के कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस थी. There was no explanation for the acid-base character in the gas phase. अगर आपका कोई भी molecule gaseous state में है, तो उसका acid-base character हम पता नहीं लगा सकते. अगर वो aqueous solution में है, तो हम पता लगा सकते हैं. Example, ammonia. If we have taken ammonia, which is in the gaseous state, and here we are having the hydrogen chloride, this is also gas. So this will result in the formation of this NH4Cl. True. NH4Cl बनेगा, और ये जो NH4Cl है ये सॉलिड है, तो आप इसे एक्वस सॉल्वेंट में नहीं ले सकते, एंड देयर विल नो एच पॉजिटिव आयन. ओके, तो आप कैसे प्रूफ करोगे कि ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये एसिड है या नहीं है? ओके, सो देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन फॉर द एसिड बेस कैरेक्टर इन द गैस फेज. आप दूसरा देखोगे, व्हेन यू हैव डिसॉल्व दिस NH4OH सॉल्यूशन व्हिच इज एक्वस इन स्टेट इन द HCl, यू हैव पास द HCl गैस, दिस इज रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस NH4Cl व्हिच इज सॉलिड एंड H2O. अगेन देयर वाज नो प्रेजेंस ऑफ द H पॉजिटिव. ओके, देन देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन फॉर सच कंपाउंड्स. It could not explain the acidic character of the compounds which do not produce H positive ion. Guys, आप example देखो पहले. This is BOH का whole thrice. BOH का whole thrice, it's itself known as the boric acid. हम इसे boric acid बोलते हैं. इसका name हमें ये suggest कर रहा है कि ये acid है nature में. पर क्या ये हमें H positive ion देगा? नहीं देगा. Okay, this will not give any H positive ion, but this is an acid. तो इसके लिए क्या explanation है Arrhenius के पास? Arrhenius fails to explain this thing. BF3, which is also known as the boron trifluoric acid. Okay, this is also an acid, but here we are not getting any H positive ion. So there was no explanation for the acidic character of such compounds which cannot produce the H positive ion. Okay, so there the Arrhenius concept, the Arrhenius theory fails. The third limitation ye tha, it could not explain the basic character of the compounds which do not produce OH negative ion. Agar aap compounds dekhoge CH3CO negative, this is the conjugate base of acetic acid and it is basic in nature. Okay, ये basic होता है, लेकिन इसमें तो कोई OH negative ion release नहीं होगा. तो क्या Arrhenius के पास कोई reason है इसके लिए? Arrhenius ने तो simple कहा कि OH negative देगा तो base होगा, लेकिन this will not give any OH negative ion. Then how is this a base? NO3 negative is a base, but this cannot give OH negative ion. So this was the limitation of the Arrhenius concept. ठीक है, तो इन सब लिमिटेशंस की वजह से आरिनियस थ्योरी ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाई. दिस वाज लिमिटेड टू द एक्वस सॉल्वेंट ओनली. देन कम्स द ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट. फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया.
ब्रॉन्स्टेड लोरी ने कहा ठीक है, आपने एसिड्स को बोला कि जो एच पॉजिटिव देते हैं, ओके दैट गिव्स एच पॉजिटिव आयन इन द एक्वस सॉल्वेंट्स आर द एसिड्स, ठीक है. तो ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या किया, आरिनियस के कॉन्सेप्ट में ही अपना थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन कर डाला और बोला यस एसिड्स आर दैट गिव्स अ प्रोटोन, ठीक है. तो एसिड्स वो हैं जो प्रोटोन देते हैं, दैट इज द एच पॉजिटिव देते हैं, एंड इन शॉर्ट यू कैन कॉल देम एज द प्रोटोन डोनर्स, क्लियर. और उन्होंने ब्रॉन्स्टेड बेस के लिए कुछ चेंजेस कर दिए, उन्होंने बोला बेसिस आर दोज विच एक्सेप्ट्स प्रोटोन, बेसिस वो होते हैं जो एच पॉजिटिव आयन को हम एक प्रोटोन भी बोल सकते हैं, दिस इज अ प्रोटोन, तो जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेसिस होते हैं. सो इन शॉर्ट वी कैन कॉल दिस एज द प्रोटोन एक्सेप्टर, एसिड्स हो गए प्रोटोन डोनर और बेसिस हो गए प्रोटोन एक्सेप्टर्स, क्लियर. Now, here let's understand better with the help of the example. उन्होंने बोला ये कोई भी element है B, अगर ये proton को accept कर रहा है and this is resulted in the formation of this B positive H, clear? ये बनाएगा, तो ये क्या हुआ, इसने अपना H positive इसको दे दिया, so this is a base because this is accepting this proton, तो ये क्या हो गया, base हो गया. और जब इस बेस, जब ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बनेगा, एसिड, ओके. दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यू प्लीज नोटिस इट हियर. अगर हम इस वाले कंपाउंड को देखें बी पॉजिटिव एच को, तो ये क्या कर रहा है, दिस इज गिविंग अप इट्स प्रोटोन, ये अपना प्रोटोन दे रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द रीजन दैट दिस इज गिविंग इट्स प्रोटोन, दिस इज एन एसिड, ठीक है. ये प्रोटोन दे रहा है इसलिए एसिड है, ये प्रोटोन ले रहा है इसलिए ये बेस है. Another example, here we are having the example of this NH3, ammonia. Ammonia के पास lone pair of electron है. This is H positive. तो ये ammonia क्या करेगा? इस H positive, that is proton को accept कर लेगा and this will results in the formation of this NH4 positive. So because this is accepting this proton, this is a base and here this NH4 positive is losing its proton, is donating its proton. This is known as the acid. Clear? तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या किया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने एसिड्स को, तो सेम ही डेफिनेशन है ऑलमोस्ट, कि जो स्पीशीज या जो कंपाउंड्स एच पॉजिटिव देंगे वो एसिड हैं, जो लेंगे वो बेसिस हैं, ओके. तो सच रिलेटेड पेयर ऑफ एन एसिड एंड अ बेस इज सेड टू बी द कॉन्जुगेट टू वन अनदर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब देखो ये जो बेस था, इसने प्रोटोन एक्सेप्ट किया तो इसने एसिड बनाया, ओके. तो ये जो एसिड और जो बेस होते हैं ना, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेटेड पेयर्स होते हैं. इफ दिस इज अ बेस देन दिस इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड, एंड इफ दिस इज एन एसिड दिस इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, ओके. सो बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन कि ये हमेशा पेयरिंग में होता है, अगर देखो ब्रॉन्स्टेड लोरी की एक बात याद रखना, अगर प्रोटोन एक्सेप्ट हो रहा है तो एट द सेम टाइम प्रोटोन डोनेट भी हो रहा होगा किसी और स्पीशीज के थ्रू. देखो यहाँ पे प्रोटोन एक्सेप्ट हो रहा था तो यहाँ पे ये स्पीशीज इस प्रोटोन को डोनेट भी कर रही थी. सो दीज टू प्रोसेस अकर्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं. तो हमेशा क्या होगा, हमें एक रिलेटेड पेयर मिलेगा एसिड बेस का. सो सच रिलेटेड पेयर ऑफ एन एसिड एंड अ बेस इज सेड टू बी द कॉन्जुगेट टू वन अनदर. Now, अब हुआ क्या, आप देखो दिस इज एन एसिड H2SO4 एंड ये हमारा H2O बेस है. क्यों है मैं आपको क्लियर करती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू. आप देखो दिस इज H2SO4, ये क्या कर रहा है, दिस हैज लूज इट्स H पॉजिटिव दैट इज द प्रोटोन एंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस HSO4 नेगेटिव, ठीक है. इसने प्रोटोन लूज कर दिया, इट हैज डोनेटेड इट्स प्रोटोन, तो ये प्रोटोन डोनर हुआ. तो प्रोटोन डोनर्स क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं. This is H2O. अब ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल. ये क्या करेगा, ये उस प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा, और प्रोटोन को एक्सेप्ट करने वाले कौन होते हैं, बेसिस होते हैं, एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस H3O पॉजिटिव, ओके. सो दिस H2SO4 व्हेन लूज इट्स प्रोटोन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस HSO4 नेगेटिव एंड दिस विल बी नोन एज द कॉन्जुगेट बेस. एसिड जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस, और जो बेस का जो एसिड फॉर्म होगा दैट विल बी नोन एज द कॉन्जुगेट एसिड, ओके. सो हेयर आर द एग्जाम्पल्स वेयर यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली. हेयर दिस अनदर एग्जाम्पल, दिस इज NH4 पॉजिटिव. दिस NH4 पॉजिटिव इज लूजिंग इट्स प्रोटोन, डोनेटिंग इट्स प्रोटोन, दिस इज एन एसिड एंड दिस विल ऑन लूजिंग इट्स प्रोटोन दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉन्जुगेट बेस.
And here this H2O, this H2O will accept that proton donated by this. इसने अपना एक H positive दे दिया. अब वो किसने ले लिया? This has been taken by this H2O. And this H2O will results in the formation of this H3O positive, which is known as the conjugate acid. Okay, so this is it guys. A strong acid, ये एक rule है Bronsted-Lowry का. You please take it as the thumb rule. ये आपको याद रखना है. कोई भी strong acid है तो a strong acid has a weak conjugate base and a weak acid has a strong conjugate base. अगर आपका कोई एसिड स्ट्रांग है तो वो हमेशा वीक कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, और अगर आपका एसिड वीक है खुद नेचर में तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा. ओके, सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर. अगर आपको पता है H2SO4 और H2O में से हमारा ये जो H2SO4 है ये बहुत ही स्ट्रांग एसिड है, तो जो इसका कॉन्जुगेट बेस बन रहा होगा ये हमारा वीक बेस होगा. ओके, ये वीक बेस होगा, और अगर ये हमारा स्ट्रांग है, ये कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग है, तो ये हमारा जो बेस होगा ये वीक होगा. ओके, तो ये रिलेशन, ये रूल आपको हमेशा याद रखना है Bronsted-Lowry के केस में. ओके, सो यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अरहेनियस एंड द Bronsted-Lowry. ओके, अरहेनियस, Bronsted-Lowry का कोई कॉन्सेप्ट हमारा एक्वस सॉल्यूशन के लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं था. सो व्हाट कम्स, अभी इसका कुछ कंक्लूजन निकला. वो कंक्लूजन ये निकला कि अ सब्सटेंस एक्स एज एन एसिड ओनली व्हेन द अनदर सब्सटेंस इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन दैट इज अ बेस इज प्रेजेंट. समझ आया ये आपको? कोई भी सब्सटेंस तभी एसिड होगा जब तक आपके रिएक्शन में कोई एक दूसरा ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि उस प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा एंड विल एक्ट एज अ बेस. ओके, तो मैंने आपको बताया एक रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों होना साइमल्टेनियसली बहुत जरूरी है. अगर एक एसिड आपका प्रोटोन डोनेट कर रहा है तो उस प्रोटोन को एक्सेप्ट करने वाला प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है. सो एनी सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड ओनली व्हेन देयर इज एन अनदर सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन दैट इज नोन एज अ बेस इज प्रेजेंट. ओके, एग्जाम्पल HCl और CH3COH सोल्यूशन इन बेंजीन इज नॉट एसिडिक, while the HCl or CH3COOH solution in water is definitely acidic. ठीक है, अगर आप HCl या CH3COOH को बेंजीन के केस में ले लेते हो तो आपको एसिडिक नेचर नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो हमारा HCl या जो CH3COOH जो प्रोटोन को डोनेट करेगा, क्या वो बेंजीन उस प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा? नो, बेंजीन इज नॉट हैविंग दैट कैपेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग दी प्रोटोन, तो वो प्रोटोन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर की तो बहुत हाई कैपेबिलिटी होती है कि वो प्रोटोन एक्सेप्ट कर ले. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर विच कैन इजीली एक्सेप्ट द प्रोटोन, द सॉल्यूशन दैट यू विल बी गेटिंग ऑन डिजॉल्विंग दिस एसिडिक एसिड इन वाटर इज डेफिनेटली बी एसिडिक इन नेचर. The second is in the aqueous solution H positive ion exists as the hydrated ion just like the H positive dot H2O or the H3O positive. आप सोचो ना, ये कोई भी हमारा H positive ion क्या करेगा अगर water molecule में, अगर हम किसी solution की बात कर रहे हैं तो solution में हमारा H positive present नहीं होता है, हमेशा hydrated molecule present होता है. ये H positive H2O के साथ combine हो जाता है and results in the formation of this H3O positive which is known as the hydronium ion. And this H positive can never be present as the free H positive ion. Okay, not only molecules but even the ions may act as the acids or base. तो आपका कोई भी आयन हो सकता है या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि एसिड या बेस है. ओके, तो दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर इन आर माइंड कि ज़रूरी नहीं है कोई जो न्यूट्रल कंपाउंड है दे कैन ओनली बी एसिड्स और दे कैन ओनली बी बेस. ठीक है, अगर हमने बोला H2SO4 ठीक है ये एसिड है, अगर हमने बोला NaOH ये बेस है, वॉट इफ अगर मैं आपको बोलती हूँ एनी आयन दैट इज़ दी NH4 पॉजिटिव वेदर इट्स एन एसिड और बेस, तो कोई भी कैटाइन या कोई भी एनाइन भी एसिड बेस हो सकता है. ओके, सो नॉट ओनली दी मॉलिक्यूल्स बट इवन दी आइंस कैन एक्ट एज दी एसिड्स और बेसिस. सो दिस पॉइंट इज शुड बी वेरी क्लियर. वाटर द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट कैन एक्ट एज दी बोथ एज एन एसिड एंड एज वेल एज अ बेस नोन एज द एम्फोटेरिक और द एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट. ये वाटर की बहुत अच्छी एक प्रॉपर्टी है
कि वो एसिड की तरह भी रिएक्ट करता है, बेस की तरह भी रिएक्ट करता है. ओके, ज़रूरत पड़ने पे अपना एच पॉजिटिव दे भी देता है और ज़रूरत पड़ने पे अपना एच पॉजिटिव ले भी लेता है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दिस इज़ अ कंपाउंड, इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट एंड दिस इज़ नोन एज द एम्फोटेरिक इन नेचर. आप इसे एम्फीप्रोटिक भी बोल सकते हो. ओके, सो दिस वाटर, ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस विद अ रिएक्शन. हियर वी आर हैविंग द H2O मॉलिक्यूल्स. दिस H2O इज व्हाट इट इज डूइंग. दिस H2O इज डोनेटिंग इट्स प्रोटोन एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस OH नेगेटिव. तो ये H2O क्या कर रहा है, अपना प्रोटोन डोनेट कर रहा है. सो दिस विल बी कॉल्ड एज द एसिड एंड द बेस सो फॉर्म विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस. क्लियर? नाउ द अनदर वाटर मॉलिक्यूल, व्हाट दिस विल डू. अगर इसने अपना एक प्रोटोन डोनेट किया तो ये प्रोटोन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ये H2O पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा. सो दिस H2O पॉजिटिव इज एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन. दिस इज अ प्रोटोन एक्सेप्टर, सो वी विल बी कॉलिंग इट इज एज द बेस. हम इसे बेस बोलेंगे एंड दिस बेस ऑन एक्सेप्टिंग द प्रोटोन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस H3O पॉजिटिव. प्रोटोन एक्सेप्ट करके यही बनेगा ना H3O पॉजिटिव. सो दिस इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड. तो बेस ने क्या फॉर्म किया, ये कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म किया. सो हेयर वी कैन सी बोथ द रोल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. दिस इज एक्टिंग एज एन एसिड एंड दिस इज एक्टिंग एज द बेस एज वेल. सो देयरफॉर इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर एंड अ वेरी गुड सॉल्वेंट एज वेल. तो गाइस अभी मैं आपसे दो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुकी हूँ, आरिनियस का और ब्रॉन्स्टेड लॉरी का. हमने आरिनियस के कुछ लिमिटेशंस पढ़े थे, हमने ये पढ़ा कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट हमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है एंड व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड अगर हम किसी भी कंपाउंड को, किसी भी स्पीशीज को एसिड बेस कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटोन डोनेटिंग एबिलिटी एंड द ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटोन एक्सेप्टिंग एबिलिटी. देन वी हैव टू कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन माइंड. ओके, कि आपका एसिड और बेस, ठीक है, दोनों एक साथ एक ही रिएक्शन में प्रेजेंट होना चाहिए. इफ़ एनी ऑफ द स्पीशीज इज डोनेटिंग इट्स प्रोटोन, सो देयर शुड बी अ स्पीशीज दैट कैन एक्सेप्ट द प्रोटोन. द वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट एंड एक्ट एज एन द एम्फोप्रोटिक और द एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट एंड द वाटर मॉलिक्यूल. हमारा जब भी कोई एच पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है तो वो एक्वस सॉल्यूशन में कभी भी एच पॉजिटिव की तरह नहीं प्रेजेंट होता. दिस ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल एंड देयरफॉर वी राइट इट एज द H3O पॉजिटिव. ठीक है, और हमारे आयंस एज वेल एज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कैन बी एसिड्स और बेसिस. सो दिस इज इट. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर कॉन्सेप्ट दैट वॉज गिवन बाय लुइस एंड दिस इज नोन एज द लुइस कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू लुइस, एनी स्पीशीज विच इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द एसिड. लुइस ने बोला अपने टर्म्स में, ठीक है, कोई भी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है, जिसके पास कैपेबिलिटी है किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, वो हमारी एसिड होती है. तो हमने इस तरह के एसिड्स को जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है उनको हम बोलते हैं लुइस एसिड. ओके, एंड इन शॉर्ट वी कैन कॉल देम एज द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. लुइस बेस के लिए उन्होंने डेफिनेशन दिया, एनी स्पीशीज दैट इज हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन. कोई भी स्पीशीज है जिसके पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जो कि वो डोनेट कर सकता है. सो एनी स्पीशीज विच कैन एक्ट एज द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर द लुइस बेसिस. क्लियर? तो लुइस ने ये जो हमें कॉन्सेप्ट दिया एसिड बेस का, ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया. ठीक है, आरिनियस ने हमें ये कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एच पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव दिया था. ठीक है, आरिनियस ने, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने हमें ये कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटोन दिया था, प्रोटोन डोनेटिंग एबिलिटी एंड द प्रोटोन एक्सेप्टिंग एबिलिटी के बेसिस पे दिया था. लुइस ने ये जो हमें कॉन्सेप्ट दिया, ये दिया हमें इसने इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे. इफ एनी स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज द एसिड एंड विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन इज अ बेस. ठीक है, सो दिस इज इट ऑल अबाउट. तो अब लुइस ने बोला, लुइस एसिड्स ऑल्सो इंक्लूड्स द कंपाउंड्स जस्ट लाइक द BF3, AlCl3, ZnCl2, FeCl3, SO3 एक्सेट्रा. गाइस हमने देखा था कि आरिनियस के पास BF3 के लिए कोई सोल्यूशन नहीं था, लेकिन लुइस ने बोला ये जो BF3 मॉलिक्यूल होता है, दिस इज अ लुइस एसिड, दिस इज एन एसिड. व्हाई इट इज एन एसिड, बिकॉज दिस इज हैविंग द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी. आप देखो,
या हमारे पास अमोनिया, ये हम रिएक्शन के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, वी आर हैविंग द अमोनिया वेयर द नाइट्रोजन इज हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो क्या करेगा, इसे डोनेट कर देगा. सो दिस विल बी अ बेस एंड वी कैन कॉल दिस एज द इलेक्ट्रॉन डोनर. नाउ द BF3 में आप देखोगे BF3 का जो बोरोन होता है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. ओके, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, दिस इज हैविंग मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ऑक्टेट. इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका जो पी ऑर्बिटल है, जो हाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है, वो अनफिल्ड है. ओके, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल, ओके, दिस बोरोन इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी, ड्यू टू द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज एन एसिड. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये बोरोन इसे एक्सेप्ट कर लेगा एंड दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ एडिशन प्रोडक्ट विच इज NH3 पॉजिटिव BF3 नेगेटिव. ठीक है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बोरोन ने ले लिया तो अब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया एंड सच कंपाउंड्स आर नोन एज द एडिशन प्रोडक्ट और द एडक्ट. According to Lewis, an acid may also be a species without any proton, that is the aprotic. लुइस ने कहा जरूरी नहीं है किसी भी स्पीशीज के लिए एसिड होने के लिए कि ये जरूरी हो कि उसके पास प्रोटोन हो ही हो. ठीक है, कोई भी एप्रोटिक स्पीशीज, अगर प्रोटोन है तो आप उसे प्रोटिक बोलोगे, अगर प्रोटोन नहीं है तो आप उसे एप्रोटिक बोलोगे. तो कोई भी एप्रोटिक स्पीशीज भी एसिड हो सकती है. ओके, सो दिस इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन. सो अकॉर्डिंग टू लुइस ने हमारे लिए ये चीज़ें बहुत आसान कर दी एंड सो देयरफॉर दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेल यूज्ड एंड इज़ वेरी पॉपुलर ओवरऑल. तो हम कहते हैं कि जो भी एसिड लुइस की डेफिनेशन को फॉलो करता है वी कॉल इट एज द लुइस एसिड. सो द लुइस एसिड कैन बी अ कंपाउंड हूज सेंट्रल एटम हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट. कोई भी सेंट्रल एटम, कोई किसी भी कंपाउंड का अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो मींस दैट दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल एंड कैन इजीली एक्सेप्ट दी इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर दैट विल बी कॉल्ड एज द लुइस एसिड. जस्ट लाइक दीज कंपाउंड्स द BF3, AlCl3, GaCl3, ये सभी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है. Now, उन्होंने दूसरा बोला all those compounds in which the central atom has the availability or orbital to expand its octet. अगर हमारा कोई central metal atom है और वो अपने octet को expand कर सकता है, just like guys, अगर मैं बात करती हूँ SiF4 molecule की, SiF4 में आप बोलोगे silicon के पास 4 valence shell electrons थे, ठीक है, और 4 इसके पास fluorine है, तो sharing होके इसका octet complete है. ओके, SiF4 में सिलिकन जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर ये लुइस एसिड क्यों है? यस गाइस, ये लुइस एसिड इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा सिलिकन है इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है. दिस हैज द वैकेंट 3D ऑर्बिटल. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस वैकेंट डी ऑर्बिटल, अब इसके पास स्पेस है तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा ये उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा एंड विल फॉर्म द बॉन्ड. ठीक है, तो अगर आप इसे दो फ्लोरीन एटम्स को ऐड करते हो, दीस फ्लोरीन एटम्स विच आर हैविंग द लोन पेयर प्रेजेंट ओवर देम एंड देयरफॉर नोन एज द लुइस बेस. तो जब भी ये फ्लोरीन एटम्स इस सिलिकन फ्लोराइड की टेट्राफ्लोराइड की विसिनिटी में आएंगे तो ये सिलिकन उन्हें जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा. क्यों एक्सेप्ट कर लेगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वैकेंट डी ऑर्बिटल. ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से एक्सेप्ट कर लेगा. तो जब भी किसी कंपाउंड के पास अवेलेबल डी ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल, अगर पी ऑर्बिटल खाली है या डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो वो भी हमारे एसिड्स की तरह रिएक्ट करते हैं एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस SiF6 2 नेगेटिव और ये 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा. ठीक है, all the simple cations guys, जैसे आपका Na positive हुआ, Ag positive हुआ, Cu2 positive, all the cations, ये जो cations के ऊपर ये जो positive charge लगा होता है ये proof करता है that the species is electron deficient. ये species के पास electrons की कमी है और ये easily electrons को accept कर सकती है. so all the simple cations are the acids in nature. तो Lewis का concept बहुत ही अच्छा है, बहुत ही popular है and बहुत ही easy understand करने में. ओके, सो द लुइस बेसिस, अब हम बताओ लुइस बेसिस क्या हो सकते हैं. लुइस बेसिस वो हो सकते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, विच आर हैविंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच आर हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच आर हैविंग द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है, सो इन एनी टर्म यू कैन से, तो देखो मॉलिक्यूल्स विद द सिंपल नेगेटिव आयंस जस्ट लाइक दीज,
ठीक है, दे विल बी एक्टिंग एज द लुईस बेस. ऑल द मॉलिक्यूल्स विद वन और टू अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आपने H2O पे देखा, यहाँ ऑक्सीजन के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, बेस की तरह रिएक्ट करेगा अपना, कहीं भी जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा. अमोनिया इज हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑल दी एल्कोहल्स में हमारा ऑक्सीजन होता है, दे आर हैविंग दी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन द ईथर दैट इज द R2O, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर अनपेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. इन द केस ऑफ द पिरिडीन में नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है. ठीक है गाइस, स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अवेलेबल नहीं है, नाइट्रोजन वाला ये अवेलेबल है. व्हाई? बिकॉज देखो, ये जो हमारा पिरिडीन रिंग होता है इसके पास क्या होता है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं. तो दीज थ्री कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स विल अंडरगो रेजोनेंस. ये तीनों ये रेजोनेंस में रहेंगे तो इनका तो डिलोकलाइजेशन होता रहेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है नाइट्रोजन के ऊपर ये फ्रीली अवेलेबल है. ओके, सो दिस इज अवेलेबल फॉर डोनेशन. ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है. ओके, तो pyridine is also having the unshared pair of electrons. So all these compounds which are having the extra number of electrons, the unshared pair of electrons will be acting as the base. The multiple bonded compounds which form the coordination complexes. आप जब coordination complexes की बात करते हो तो आप वहाँ पे कुछ ligands use करते हो, just like the CO, NO, ethylene, acetylene. These all are what? These all are your multi bonded compounds. ठीक है, एसिटाइलीन. तो आप जितने भी ये compounds होते हैं ये सब multiple bonded होते हैं, C double bond O, N double bond O. ठीक है, तो जितने भी multiple bonded compounds होते हैं they which we use in the coordination complexes also act as the Lewis base. Why so? यहाँ देखो, ये carbon क्या करता है, C triple bond O, इसके पास एक electron pair available होता है for the donation to the metal ion. ठीक है, तो जब आप इसका CCO कार्बन मोनोऑक्साइड का एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पता चलेगा इन दी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस दैट दीज मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स ऑलवेज गिव्स देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू दी मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन. सो दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय द लुईस. तो गाइज, मैंने आपसे तीन पॉपुलर कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, आरहेनियस का, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का एंड लुईस का. आई होप ऑल द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू. नाउ देर इज अनदर थ्री कॉन्सेप्ट जिनको हमें छोड़ना नहीं चाहिए. ठीक है, आई वोंट से दैट दे आर इम्पोर्टेंट फॉर योर कोर्स, फॉर योर सब्जेक्ट, बट यू मस्ट नो अबाउट देम. Okay, so for that, let's have a quick glance over them. This concept, the Lux flood concept, is based on the is explained in terms of the oxide ion. Lux flood concept को हमने explain किया oxide ion के basis पे. ठीक है, that is the O2 negative. Okay, तो ये कहता है acid. Acid is an oxide ion acceptor. एसिड वो होते हैं जो कि ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जस्ट लाइक द सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड. एंड बेसिस वो होते हैं जो ऑक्साइड आयन को डोनेट करते हैं. ओके, जस्ट लाइक द कैल्शियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, दी Na2O एक्सेट्रा. अभी आपको ये बात समझ नहीं आई होगी तो मैं आपसे ये एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ. ठीक है, देखो, हेयर वी आर हैविंग द कैल्शियम ऑक्साइड एंड आई कॉल्ड दिस एज द बेस. मैंने यहाँ सिलिकन डाइऑक्साइड लिखा है विच इज SiO2 एंड आई एम कॉलिंग इट एज द एसिड. व्हाई इज इट सो? गाइज देखो, बेस वो होते हैं जो कि ऑक्साइड आयन को डोनेट करते हैं. ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन डोनेट कर देगा किसको, सिलिकन डाइऑक्साइड को. एंड सिलिकन डाइऑक्साइड इज एक्सेप्टिंग दिस ऑक्सीजन. ओके, तो एसिड्स क्या होते हैं जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करते हैं. तो ये सिलिकन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस CaSiO3. ओके, तो ये क्या हो गया, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, Ca2 पॉजिटिव प्लस SiO3 टू नेगेटिव. तो ये सिलिकन ने क्या किया है, सिलिकन ने इस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है और कैल्शियम ने इस ऑक्सीजन को डोनेट किया है. ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट, द लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन दिस, इट कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ दिस ऑक्साइड आयन. अनदर एग्जाम्पल, Na2O प्लस P4O10. हेयर दिस सोडियम ऑक्साइड, द सोडियम पर ऑक्साइड विल डोनेट इट्स ऑक्सीजन टू दिस फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड दिस विल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस Na3PO4. ओके, ये क्या हुआ आपका, दिस इज 3 Na पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव. तो फॉस्फोरस के पास ये अपना सोडियम ने अपना ऑक्सीजन दे दिया और फॉस्फोरस ने एक्सेप्ट कर लिया. ओके, सो ऑल दोज थिंग्स. अब जब भी आपके पास इस तरीके के कंपाउंड्स आते हैं,
जब भी आपके पास कहीं भी इस तरीके के ऑक्साइड्स आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो एक बार सोच लेना कौन ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है. हो सकता है आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाए और यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट विच विल बी द एसिड और दी विच विल बी दी बेस. यूसैनोविच कॉन्सेप्ट. यूसैनोविच ने कहा एनी केमिकल स्पीशीज विच रिएक्ट विद द बेसिस गिव्स अप कैटाइंस और एक्सेप्ट एनाइंस और इलेक्ट्रॉन्स. यूसैनोविच ने बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट्स को कंपाइल कर डाला, ठीक है, लुइस के, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी के, जिसने भी जो कहा उसने उन सबको कलेक्टिवली कह दिया कि कोई भी केमिकल स्पीशीज जो कि बेस से रिएक्ट कर सकता है. एसिड क्या है? जो बेस से रिएक्ट कर सकता है. अब वो बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? वो अपने कैटाइंस को दे देगा, एनाइंस को एक्सेप्ट कर लेगा. ओके, एनाइंस को एक्सेप्ट कर लेगा या फिर आप कह लो कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा. बेसिस वो होते हैं, वो कोई भी केमिकल स्पीशीज जो कि एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं. अब वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? वो अपने नेगेटिव आइंस को या फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स को या एनाइंस को दे देंगे, ठीक है, और कैटाइंस को एक्सेप्ट कर लेंगे. दे विल कंबाइन विद द कैटाइंस. ठीक है, तो वेरी सिंपल. एसिड्स वो होते हैं जो बेसिस के साथ कंबाइन करते हैं, बेसिस वो होते हैं जो एसिड्स के साथ कंबाइन करते हैं. बहुत ही सिंपल है. दिस कॉन्सेप्ट कवर्स ऑल विद एसिड्स एंड बेसिस रिडॉक्स रिएक्शंस विच कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडॉक्स रिएक्शंस में भी हम ट्रांसफर पढ़ते हैं ना, कैसे इलेक्ट्रॉन्स दिया जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होता है. सो हेयर वी आर हैविंग एग्जाम्पल. दिस इज FeCN का होल ट्वाइस KCN एंड दिस इज गिविंग अस K4FeCN का होल 6. दिस इज एन एसिड बिकॉज दिस इज कंबाइनिंग विद द बेस एंड एक्सेप्टिंग द anion. ये बेस के साथ कंबाइन कर रहा है और एनाइंस को एक्सेप्ट कर रहा है. एंड दिस बेस इज कंबाइनिंग विद द एसिड एंड एक्सेप्टिंग द कैटाइन एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स. सो दिस वॉज सेड बाई द यूसैनोविच. ओके, एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाई इनगोल्ड. इनगोल्ड ने बोला एसिड्स आर द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स एंड बेसिस आर द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स. आपको पता है ना इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? ऑल द इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज विच आर हैविंग द पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज एसिड्स आर द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स व्हाइल बेसिस आर द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स. यू नो दैट बेसिस आर दोज विच आर हैविंग द नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके, सो ऑल दोज एनाइंस विल बी योर न्यूक्लियोफाइल्स एंड विल बी your bases. Okay, so this was called by the Ingold that all the electrophilic reagents are your acids and all the nucleophilic reagents are your bases. So this is it, guys. So in total we can conclude that acids and bases are usually defined by the Bronsted-Lowry definition. Okay, so do remember the whatever the Bronsted-Lowry has said on the basis of the proton, that the acids are the proton donors and the bases are the proton acceptors. Okay, so this is what is called by the Bronsted-Lowry, and the acids and bases are usually defined by this definition only. And when these are defined as according to the Lewis, they are known as the Lewis acids and the Lewis bases. Okay, तो जब भी वो कोई भी आपके acids bases अगर वो Lewis की definition को follow कर रहे होंगे तो वहां हम उन acids को हमेशा Lewis acid बोलते हैं या Lewis base बोलते हैं. Okay, so this is it, guys. This is all about acids and bases, and I will also bring a video on the strength of acids and bases. Okay, अगर आपको पता करना है आपके पास कुछ acids और आपको पता करना है that which is more acidic, which is less acidic, then what are the those factors जिनको आप understand करके उनकी strength का पता लगा सकते हो. Okay, so this is it. We'll meet again with a new video. So stay tuned. Do subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon. Only by doing so you will get the notifications regarding my videos. Okay, so guys, I hope you are enjoying learning, and this is the way you can move ahead and learn many things. Okay, you can even comment me agar aapko koi bhi video ya kisi bhi topic se related kuch help chahiye. So please comment me. I will try my best to bring it for you. Thank you, guys. Thank you. Have a great day. And yes, do watch the description box. ठीक है, description box आपके लिए बहुत important है. आप please उसे देखो and do follow the links, the desired links of my courses on the Unacademy platform as well. Thank you.